गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने चैप्टर 7 और चैप्टर नंबर 8 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए, और मैंने आपसे पूछा था कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनका आपको नंबर लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको बताना है। तो कई स्टूडेंटों ने बता दिया, कईयों की प्रॉब्लम है, कईयों के पास बुक नहीं है, तो वो मैं आज क्वेश्चन आपको PDF में अवेलेबल करा दूंगी। देख लेना फिर से क्वेश्चन सोल्व करके, फिर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन नंबर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना। देखिए, चैप्टर नंबर 7 में कई स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो चैप्टर नंबर 7 में एक क्वेश्चन था, किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या होता है जब S3PO4 यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को जब हीट किया जाता है, अब उसमें टेम्परेचर नहीं दिया, वाकई कितने ताप के ऊपर उसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है यानी किसका फॉर्मेशन होता है जब S3PO4 का अपन गर्म करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जब ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को 360 डिग्री टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है तो उस स्थिति में मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है प्लस जल का निर्माण होता है। परंतु यदि अपन और अधिक टेम्परेचर पर यदि इसको गर्म करें ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को, लगभग टेम्परेचर यदि 600 डिग्री तक अपन बढ़ा दें, तो उस स्थिति में किसका निर्माण करता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण करता है प्लस जल का निर्माण करता है। तो यदि टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो आप ये दोनों रिएक्शन लिख सकते हो, यदि टेम्परेचर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, बाकी यदि टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो कम ताप के ऊपर ये मेटाफॉस्फोरिक अम्ल प्लस जल का फॉर्मेशन करता है, और अधिक ताप के ऊपर ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और जल का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो क्वेश्चन था कि हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है, यानी गोताखोर जो होते हैं उसमें, तो गोताखोर जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें हीलियम गैस जो है वो क्यों भरी जाती है, इसका क्या रीजन है। तो इसके यूजेज मैंने बताए थे, और यूजेज में मैंने एक यूज ये भी बताया होगा कि हीलियम जो है वो आधुनिक गोताखोरी में प्रयुक्त की जाती है। क्यों प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के डाइल्यूशन के लिए उपयोगी होती है, तनुकरण के लिए, O2 के डाइल्यूशन के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है, हीलियम गैस मिलाई जाती है। जो गोताखोरी सिलेंडर अपने साथ में लेके जाते हैं उसमें हीलियम गैस जो है वो ऑक्सीजन के डाइल्यूशन के लिए उपयोग में ली जाती है, और इस हीलियम की रक्त में विलेयता बहुत कम होती है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, फिर रक्त में विलेयता बहुत कम होती है, इस कारण आधुनिक गोताखोरी में किसका उपयोग किया जाता है, हीलियम का उपयोग है वो किया जाता है। तो हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग में क्यों लिया जाता है, ऑक्सीजन के डाइल्यूशन में ये उपयोगी है, जिसके कारण यानी, और इसकी रक्त में विलेयता भी क्या होती है, बहुत कम होती है, इस कारण इसका उपयोग जो है वो गोताखोरी के उपकरणों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था वो पूछा था कि दो SO बॉन्ड जो है उनकी प्रकृति पर टिप्पणी करनी थी, जो SO2 अणु बनाते हैं यानी सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया क्या क्रिया करके क्या बनाता है, SO2 अणु बनाता है, क्या SO2 अणु की दोनों SO अपन समतुल्य हैं यानी सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, सल्फर है, इसके साथ दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो दो ऑक्सीजन इसके साथ यानी सल्फर के भाईतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बंध बनाएगा, तो ऑक्सीजन अधिकतम कितने बंध बनाता है, 2 बंध, ऑक्सीजन के भाईतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो ये द्विबंध का निर्माण कर लेगा, एक लोन पेयर इस पे रह जाएगा। केंद्रीय परमाणु में यदि संकरण का प्रकार निकालें तो संकरण का प्रकार जो है वो कौन सा आएगा, सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या, उससे निकाल लो, चाहे वो संकरित कक्षकों की संख्या निकालने का आपको जो फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग निकाल लो।
सल्फर्स के पास यानी सिग्मा बंद कितने बना रखे हैं? इतने दो बना रखे हैं, दो सिग्मा और दो पाई हैं, एक लोन पेयर है, तो दो सिग्मा हो गया, एक लोन पेयर हो गया, टोटल कितने हो गए? तीन। संकरित कक्षकों की संख्या तीन है। संभावित संकरण का प्रकार कौन सा होगा? sp2। तो इसमें केंद्रीय परमाणु में संकरण का प्रकार क्या है? sp2। आकृति किस प्रकार की होती है? वी शेप होती है। वी शेप क्यों होती है? क्योंकि सारे इसमें बॉन्ड पेयर नहीं है, एक लोन पेयर है। तो वे सिद्धांत के आधार पर यदि sp2 प्रकार का संकरण है केंद्रीय परमाणु में और सारे यदि बॉन्ड पेयर नहीं है तो लोन पेयर के कारण आकृति क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। और आकृति किस तरह की हो जाती है? वी शेप या कोणीय हो जाती है। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की यानी अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। कहने का मतलब यानी इसमें सल्फर और ऑक्सीजन ये जो दोनों बंध हैं ये क्या दोनों बॉन्ड लेंथ समतुल्य हैं या अलग अलग हैं? ये अपन को इस क्वेश्चन का आंसर में बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में आंशिक द्विआबंध गुण पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसकी अनुनादी संरचनाओं के कारण होता है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड की एक से अधिक संरचनाएं पाई जाती हैं। एक से अधिक संरचनाएं कैसे? जैसे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बना लिया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो वैसे काउंट कर लीजिए, सल्फर के कितने हैं? 6। दो ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6 × 12। बाह्यतम कोष में ऑक्सीजन के भी 6, इसके भी 6 होते हैं, एक ही वर्ग के होते हैं, 16 ग्रुप एलिमेंट है। तो कितने हो गए? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन करने हैं अपन को। 2, 2, 4, 2, 6 एक बंध में होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 8 तो हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन और हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18। तो SO2 की स्ट्रक्चर अपन इस तरह से भी बना सकते हैं। अब देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, SO2 में जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता है जिस परमाणु पर उसके ऊपर क्या आ जाएगा? उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिसके बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने उसके पास नहीं है तो उतना क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए इस ऑक्सीजन पे 1, 2, 3, 4, 5 है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूर्ण पूरित है, दो बंद बना रखे हैं, कोई चार्ज नहीं आएगा। अब देखिए सल्फर के 1, 2, 3, 4, 5 5 इलेक्ट्रॉन है, होते कितने? 6, एक की कमी है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस ऑक्सीजन के पास देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ही 7, यानी इस बंद में एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, यानी एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब इस तरह से यानी इसकी दूसरी स्ट्रक्चर भी अपन बना सकते हैं। हो सकता है इस सल्फर ऑक्सीजन के मध्य क्या हो? द्विबंध हो, और इसके मध्य क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। तो दूसरी वाली स्ट्रक्चर कौन सी हो सकती है? दूसरी वाली स्ट्रक्चर ये वाली हो सकती है। ये दोनों क्या कहलाती हैं? अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं, अनुनादी संरचनाएं। अब अनुनादी संरचनाएं जो हैं एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होती रहती हैं। अनुनाद संकर संरचना यदि बनाए अपन इसकी, अनुनाद संकर संरचना, दो ऑक्सीजन है, हो सकता है कि डॉट डॉट का मतलब है द्विबंध यहां आ जाए, और हो सकता है यहां पर द्विबंध आ जाए। यदि यहाँ द्विबंध होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यदि यहाँ होगा तो यानी -1/2 हाफ हाफ पोजिशन है, यानी 50-50% कंडीशन है। यदि इस पे होगा तो इस पे नहीं आएगा, इस पे है तो इस पे नहीं आएगा, तो ये हो जाएगी अनुनाद संकर संरचना। अब देखिए एसओ आबंध की प्रकृति बतानी थी। इसमें क्या एसओ आबंध लंबाइयां समान है? हाँ, इसमें एसओ आबंध लंबाइयां जो हैं वो दोनों समान है। कारण है इसका अनुनाद, क्योंकि अनुनादी संरचनाएं यानी सल्फर और ऑक्सीजन, तो हो सकता है ये वाला ऑक्सीजन द्विआबंध बना ले, हो सकता है ये सिंगल आबंध बना ले। तो एसओ आबंध में आंशिक द्विआबंध गुण पाया जाता है। आंशिक का मतलब हो सकता है यहाँ बन जाए, हो सकता है यहाँ बन जाए। कारण है उसका अनुनाद, और अनुनाद के कारण सल्फर डाइऑक्साइड में दोनों एसओ बॉन्ड लेंथ जो हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। एसओ बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन एसओ टू मॉलिक्यूल बिकॉज रेजोनेंस, अनुनाद के कारण
इसमें दोनों एसओ अबंध लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये था इसका आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा था, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था किस उदासीन अणु के साथ सीएलओ माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या एक अणु लुईस क्षारक है? तो ये यानी इसमें दो आंसर बताने हैं, क्या ये लुईस क्षारक की तरह बिहेव कर सकता है या और किसके साथ ही, किस उदासीन अणु के साथ ये सम इलेक्ट्रॉनिक है सीएलओ माइनस। तो सम का मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पहले अपन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन, 17, परमाणु क्रमांक 17, ऑक्सीजन के 8, नेगेटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, तो प्लस का 1। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल। अब देखिए 26 इलेक्ट्रॉन अपन ने इस चैप्टर में पी ब्लॉक में जो पढ़ा है, तो क्या कोई ऐसा अणु है उदासीन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 26 हैं। तो देखिए एक तो देखिए OF2, एक अपन ने पढ़ा था O2F2, एक पढ़ा था OF2। ये देखिए उदासीन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए ऑक्सीजन के 8, फ्लोरीन 9 × कितने हैं, 2, तो 18 + 8 कितना हो गया, 26 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। और देखिए CLF, क्लोरीन फ्लोराइड, तो क्लोरीन फ्लोराइड में यानी 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हो गए, 9 फ्लोरीन के हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे, 976, 26 इलेक्ट्रॉन। तो यानी पहली बात का आंसर तो ये हो गया कि इस उदासीन अणु के साथ सीएलओ माइनस सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो उदासीन अणु OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और क्लोरीन फ्लोराइड के साथ सीएलओ माइनस सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है, उदासीन है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये उदासीन अणु। दो एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हो और उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। क्या ये यानी आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या एक अणु लुईस क्षारक है? तो ये लुईस क्षारक कैसे हो सकता है, यानी क्या ये जो अणु है क्या ये लुईस क्षारक है जो इसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो यानी CLF जो है, अंतरा हेलोजन यौगिक में अपन ने पढ़ा था कि क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक जो +1 भी होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है, +7 भी होता है, तो यानी अंतरा हेलोजन यौगिक जब ये निर्मित करते हैं तो यानी ये फ्लोरीन के साथ क्रिया कर ले तो क्या बना सकता है, CLF3, जिसमें इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +3 होता है, जो कि स्थाई होता है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, जिसकी स्ट्रक्चर भी अपन ने वेस्पर सिद्धांत के आधार पर देखी थी। तो देखिए CLF3 बनाएगा और CLF3 जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है। लुईस क्षार की तरह बिहेव कैसे करता है, क्लोरीन भाईतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं फ्लोरीन के साथ बंद बना लेते हैं, कितने बच गए, यानी तीन फ्लोरीन ने तो बंद बना लिए, कितने बच गए, 2 लोन पेयर बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यदि दिए जाते हैं तो वो लुईस क्षार, और यदि एक्सेप्ट किए जाते हैं तो वो क्या होता है, लुईस अम्ल होता है। तो किसकी तरह बिहेव करता है, ये लुईस क्षार की तरह, यानी इसमें CLF3 बनाएगा, CLF जो है वो फ्लोरीन के साथ क्रिया करके CLF3 बनाता है, जो कि किसको सेव करता है, लुईस क्षार की प्रकृति को सेव करता है, यानी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं क्लोरीन के द्वारा। अब एक क्वेश्चन और पूछा था, क्वेश्चन नंबर था 29,
उस क्वेश्चन में थोड़े से मिस्टेक दी हुई है, तो पहले तो वो मिस्टेक जो है वो आपको, यानी वहां पे जो आपको दिया हुआ है ओ टू प्लस, प्लस की जगह आपको माइनस करना है उस वाले आंसर में। बाकी क्वेश्चन सही है, ओ टू माइनस करना है। क्वेश्चन क्या था, यदि ओ से ओ माइनस यानी ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ओ माइनस, तथा ओ से ओ टू माइनस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान पता हो, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान जो है वो है 141 किलो जूल प्रति मोल, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान है वो है 702 किलो जूल प्रति मोल। अब देखिए, दोनों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान दिए हुए हैं, उसके बाद पूछा आप कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि ओ टू माइनस स्पीसीज वाले ऑक्साइड अधिक बनते हैं, न कि ओ माइनस वाले, यानी दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान दे दिया, और बाद में पूछ रहा है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओ टू माइनस स्पीसीज वाले जो ऑक्साइड हैं वो ज्यादा बनते हैं और ओ माइनस वाले जो हैं वो कम बनते हैं, इसका क्या कारण है। तो कारण जो है, यानी यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक और दी हुई है, एक तो ये वाली थी, यहाँ प्लस नहीं करना है, यहाँ माइनस ही करना है, माइनस है इस क्वेश्चन में, माइनस आएगा। एक जो ये है, यानी जब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, पहला इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरा जब जोड़ा जाता है तो बाहर से एनर्जी दी जाती है। इस तरह का क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया था कि पहले इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान हमेशा किस तरह का प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और दूसरा जो अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वो किस प्रकार का प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रकार का प्रोसेस होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं तो उदासीन परमाणु में जोड़ते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं तो वो पहले से ऋणायन है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और इलेक्ट्रॉन जब है दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो उस वाले इलेक्ट्रॉन को अपन आसानी से नहीं जोड़ सकते, इसलिए बाहर से क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए एनर्जी देंगे तो प्रोसेस किस प्रकार का होगा, एंडोथर्मिक प्रकार का प्रोसेस होगा, तो एंडोथर्मिक प्रकार का प्रोसेस होने के कारण, यानी इसमें तो क्या है दो इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, तो एक बार एक जोड़ा है फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, एक साथ में तो है नहीं कि एक बार में दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो यहाँ तो ये क्या है प्लस का 702 किलो जूल प्रति मोल, यानी किस प्रकार का प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रकार का प्रोसेस है, पहले एक्जो फिर एंडो, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। अब देखिए यहाँ पर अपन लेटिस एनर्जी से भी इसका आंसर दे सकते हैं, जालक ऊर्जा से, यानी जालक ऊर्जा क्या होती है, एक मोल आयनिक ठोस को उसके आयनों में तोड़ने के लिए, या एक मोल आयनिक ठोस का निर्माण जिन आयनों से मिलकर के उसका बना हुआ होता है तो उसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अपन 11th क्लास में पढ़ा था, वो क्या होती है, जालक ऊर्जा। फिर अपन ने पढ़े थे जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, जो जितना ज्यादा चार्ज होता है किसी आयन पर उसकी जालक ऊर्जा का मान क्या होता है, उतना ही अधिक होता है, और किसी आयनिक यौगिक के लिए जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है तो उसका स्थायित्व भी क्या होता है, उतना अधिक होता है। तो चार्ज किस पे ज्यादा है, ओ टू माइनस पे या ओ माइनस पे, ओ टू माइनस पे। एक प्रकृति में अधिकांश ऑक्साइड जो है वो किस रूप में पाए जाते हैं, चाहे वो क्षार धातु है, चाहे क्षार या मर्दा धातु है, Na2O यानी -2 ऑक्सीकरण अवस्था में ही पाए जाते हैं। अधिक संख्या चाहे वो पोटेशियम का है, चाहे वो कैल्शियम का है, चाहे वो मैग्नीशियम का है, किसी का भी है। और कारण देखिए इसका, ये जो O2 माइनस है इसके निर्माण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता क्यों, पहले से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वो ऋणायनिक स्पीसीज है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उस दौरान क्या होगा,
अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जितनी ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी उस स्थिति में, यानी जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, तो जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो उसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी अधिक स्थायी क्रिस्टल जालक बनता है। O2- अवस्था में इसकी धातु के साथ क्रिया कराओ चाहिए धातु के, उस स्थिति में यदि क्रिस्टल जालक की संरचना देखी जाए तो वो क्रिस्टल जालक की जो संरचना का फॉर्मेशन करते हैं वो संरचना भी अधिक स्थायी होती है। और एक जो है O2- माइनस में है, विद्युत आकर्षण बल का मान एक संयोजी जो है O- माइनस की अपेक्षा अधिक होता है। विद्युत आकर्षण बल का मान अधिक होने के कारण जो O2- माइनस वाले यौगिक हैं उनका मान ज्यादा होता है। इस कारण O2- माइनस जो है वो क्या होता है, यानी अधिक स्थायी जो है और अधिक संख्या में ऑक्साइड जो है वो निर्मित करता है और अधिक स्थायी भी होता है। तो ये इसके रीजन हो जाएंगे, चाहे चालक ऊर्जा वाला बता दो, अधिकांश ऑक्साइड इसके अधिक संख्या में द्विसंयोजी प्रकृति होती है वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और द्विसंयोजी ऋणायन बनाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक क्रिस्टल जालक का जो फॉर्मेशन करते हैं वो भी अधिक स्थायी होता है। एक द्विसंयोजी ऑक्सीजन में विद्युत आकर्षण बल का मान जो होता है वो एक संयोजी ऋणायन रखने वाले यौगिकों की अपेक्षा अधिक होता है। तो इस कारण जो है, यानी कई कारण जो है, इस कारण द्विसंयोजी जो ऑक्साइड जो है उसके ऑक्साइड जो है अधिक बनते हैं, न कि मोनो ऋणायनिक जो ऑक्साइड है उसके ऑक्साइड कम बनते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे पी ब्लॉक वाले चैप्टर में, शायद इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन शायद किसने 30 नंबर जो लिखा था, आप पता नहीं 30 नंबर कौन सा है, शॉर्ट आंसर टाइप में है या उसमें है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आज मैं इसकी PDF क्वेश्चन आंसर की अवेलेबल करा दूंगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन का थोड़े से लैंग्वेज लिख देना कि वो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो शॉर्ट टाइप है या वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है उनमें है। अब देखिए चैप्टर 8 में जो है कई स्टूडेंट के, यानी जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आंसर में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आंसर कुछ भी दिया हुआ, चाहे गलत दिया हुआ चाहे सही दिया हुआ, आप अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, हो सकता है आंसर गलत भी हो बुक में। तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहे थे कि आयरन प्लस टू में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्वेश्चन है। और उसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन 5 है, और तीसरा ऑप्शन 3 है, और चौथा जो ऑप्शन है वो 6 है, कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लीजिए, आयरन परमाणु क्रमांक 26, आर्गन 36, 4s2, प्लस टू ऑक्सीकरण अंक में है, प्लस टू का मतलब दो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 3d6 है, डी के पांच कक्षक बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5, छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यदि दिया हुआ हो, यानी वो आंसर जो है किसके अकॉर्डिंग दे दिया, Fe+3 के अकॉर्डिंग दे दिया, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी छठा भी कम हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, तभी आंसर आएगा 5 आएगा। और इसके अलावा किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जितने क्वेश्चन पूछे थे उतने बता दिए, बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।